गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है एक नए व्लॉग में बहुत दिनों के बाद। तो आज हम एक रिव्यू देंगे जो मेरे पीछे खड़ी है कैमरी हाइब्रिड। तो इसका एक हम ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे और रिव्यू भी देंगे। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो आप सबसे पहले गाड़ी की तरफ को चलते हैं। गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं आप। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये कैमरी हाइब्रिड 2023 मॉडल है और इलेक्ट्रिक है, यानी 80 तक चलोगे आप तो इलेक्ट्रिक है, 80 के बाद, जैसे ये 80 के बाद जो होता है पेट्रोल का। तो अभी चलते हैं, ये हमने रिवर्स पे लगा दी। रिवर्स पे सामने इसमें कैमरे भी हैं और कैमरे के अलावा इसमें जो दिया सेंसर भी, चार सेंसर आगे हैं और चार सेंसर पीछे हैं। देखते हैं अभी चल के कैसी चलती है। तो इसका फ्यूचर यही है कि ये एक बार इसमें जैसे आप फुल करा लोगे पेट्रोल तो कम से कम 600 किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर चल जाती है एक बार में। अभी ये 2000, अभी नई गाड़ी है ना, तो 2000 देखिए आप, 2337 किलोमीटर चली है, अभी ज़्यादा चली नहीं। और सिटी में चलाने के लिए इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं होगी, क्योंकि सिटी में चलाने के लिए ये बैटरी पे फुली चलती है। तो इलेक्ट्रिक है ये सिटी में चलाने के लिए, क्योंकि सिटी में 80 से ज़्यादा कहाँ चलाता है, कोई भी 80 से ज़्यादा नहीं चलाएगा। तो सिटी में चलाने के लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि तेल का खर्चा नहीं है। अगर सिटी में आप चला रहे हैं, अपने एक बार तेल फुल कराया है, सिटी से बाहर नहीं गए, तो एक बार ही एक महीने के लिए काफ़ी होगा। और अगर बाहर जाएंगे तो दो बार फुल करा लो, दो बार फुल कराने में चल जाएगी, एक महीना पूरा गुजार देगी। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, जिन कंट्री में तेल महंगा है ना वहाँ बहुत अच्छी है। अभी मैं तो सऊदी में रहता हूँ तो सऊदी के लिए कोई इतना वो नहीं है, फिर भी ले सऊदी में भी बिक रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो इंडिया की आ रही है, अजेरा आ रही है, कामरी आ रही है, तो ये कुछ गाड़ियाँ का मुझे पता है जो आ रही हैं इलेक्ट्रिक, इस तरह की जिसमें 80 तक चला सकते हैं। बाकी का फुल इलेक्ट्रिक अभी तक यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आई, जैसे टेस्ला वगैरह हैं वो नहीं आई अभी, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, फुल तेल सस्ता है। एसी काफ़ी तेज़ हो गई, एसी को कम कर रहा हूँ मैं, एसी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। हाँ अब एसी थोड़ी स्लो हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी एसी, ज़्यादा। वैसे तो वैसे ताइफ में मौसम ठंडा रहता है, अभी भी टेम्परेचर कोई ख़ास ज़्यादा वैसा नहीं है, 35 डिग्री दिखा रहा है कार में, क्योंकि ये कार धूप में खड़ी थी ना, वैसे 30 के आसपास होगा, समथिंग 30-31 टेम्परेचर इतना ही रहता है। इसमें पूरी गाड़ी में आप स्पेस वैसे भी देख सकते हैं, स्पेस कैमरी में तो पता ही है सबको, कैमरी में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, पीछे से भी आप देख लें, पीछे से भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, उसकी डिग्गी भी काफ़ी बड़ी होती है। तो कैमरी के अंदर स्पेस के मामले में तो कैमरी से अच्छी गाड़ी कोई नहीं है छोटी गाड़ियों में। और अभी मैं सनैया में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है इधर सनैया में, जहाँ पर गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ बिकती हैं ना, देखो पूरा मेला लगा हुआ है गाड़ियों का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुमे के दिन रश होता है, जुमे का दिन है ना, काफ़ी ज़्यादा रश है गाड़ियों का। लेकिन मैं सनैया उस एरिया को कहते हैं जहाँ वर्कशॉप होती है, आप यहाँ देखें देख सकते हैं ज़्यादातर वर्कशॉप है। अस्सी तक ही चला रहा हूँ मैं, 80 से ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ, क्योंकि बैटरी पर आए, 80 तक चलाऊँगा तो इस पर रहेगी ना इलेक्ट्रिक पे, इससे ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ, चला भी सकता हूँ कोई वो नहीं है, तेल तो है अभी, पेट्रोल ये देखो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो पेट्रोल अभी है, आधी टंकी है अभी पेट्रोल पर चल जाएगी, अभी ये कम से कम 300 किलोमीटर पेट्रोल पर भी चल जाएगी, इतना तेल है अभी इसमें। सो से निकल गई, कुछ ही सेकंड में सो से निकल जाती। देखिए सामने खूबसूरत पहाड़, रोड के साथ ही पहाड़,
80 सेकंड में 100 से निकल जाती है, कि अगर रोड साफ हो तो 100 से निकल जाती है एकदम से। अभी हम चलते हैं मेन रोड पर। अभी तक तो मैं था तो छोटी स्ट्रीट थी, वहाँ पर कैमरे नहीं थे, वहाँ पर आप तेज भी चला सकते हो, कोई इतना वो नहीं था। लेकिन अभी अब जहाँ पर हूँ यहाँ पर आप तेज भी नहीं चला सकते और फ़ोन भी कम यूज़ करोगे क्योंकि कैमरे हैं यहाँ पर, फ़ोन के और सीट बेल्ट के सारे कैमरे होते हैं, आप ऑटोमेटिकली आपके पास फाइन आ जाएगा। और ये एम जी मोटर का शोरूम है और एम जी से आगे है ये माल्टा का है, एम जी और माल्टा, और इसके साथ में किया का भी है और शेवले जीएमसी का भी शोरूम है। ये आ गया शेवले जीएमसी, दोनों यूनिवर्सल मोटर्स हैं। और फोर्ड से आगे आ गया फोर्ड हुंडई, उसके बाद हुंडई और ये जीली। सारे जितने भी ये शोरूम है ना सारे बराबर हैं। और उससे आगे दूसरा हुंडई का भी है। तो ये एरिया जितना भी है सारा कारों के शोरूम है, सारे कारों के शोरूम है इस एरिया में मोस्टली जितने भी है ना सारे कारों के शोरूम हैं। और उसके अलावा जितने भी बड़े कंपनी है ना उनके कंपनी के ऑफिस हैं या उनके ऑफिस हैं, उसके अलावा गोदाम भी हैं उनके। तो इस पूरे एरिया में सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ का सारा रेस्टोरेंट वाला एरिया आ गया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है सारे टाइप का रेस्टोरेंट वाला एरिया आ गया। इसमें से मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के अलावा हंगरी, टेक्सस चिकन, बर्गर किंग, हर्फी सारे। यहाँ से अभी मैं वापस यूटर्न मार के आ गया हूँ, इसीलिए दोबारा आपको दिख रहा हूँ ये सारी रेस्टोरेंट। और अभी मैं इधर से यूटर्न मार के इसलिए आया क्योंकि वापस से मुझे अपनी तरफ को ही जाना है, कुछ काम है मुझे उसी साइड को जाना है। तो मुझे अभी जाना है ये राइट साइड को जाना है। यही राइट साइड में जो है तिरामोल यही वाला है जो आपको दिख रहा है ना, यही तिरामोल है। सामने सूरज पड़ रहा है और इसके साथ ही ये जो है ये वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर जिसको भी रनिंग करनी होती है ना सुबह में या शाम में, रनिंग करने वाले इसी स्ट्रीट पर आते हैं, बीच में स्ट्रीट बनी हुई है। ये सारा वॉकिंग एरिया है, स्ट्रीट 15 है। ये ताइफ के घूमने के लिए ज़्यादातर लोग इधर ही आते हैं वॉकिंग करने के लिए ना, जैसे शाम में या सुबह में रनिंग वनिंग करने के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो ये सारी जोरी मॉल की पार्किंग है और जोरी मॉल का ये गेट नंबर 4 है। ये सामने आप गेट देख रहे हैं, ये गेट नंबर 4 है जोरी मॉल का। ये पूरी भीड़ जितनी भी है ना ये सारा रश जोरी मॉल के लिए है। बहुत ताइफ का सबसे बड़े मॉल में से एक है ये, तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जोरी मॉल जो है ना ताइफ का सबसे बड़े मॉल में से वो पुराना मॉल है, तो इतना पुराना तो नहीं है लेकिन हाँ बड़ा मॉल है। इसमें सारे ब्रांड जितने भी बड़े ब्रांड है ना जैसे एडिडास हुए या नाइक, ये सारे ब्रांड इसमें है, तो इसीलिए इस पर इतना रश होता है। चल रहे हैं ब्रेक पे पैर रखे तो ये चार्ज होता है, अगर उसके अलावा चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो ये पेट्रोल से चलेगी, या फिर आप 100 से जैसे 80 से ज़्यादा चल रहे हैं तब ये पेट्रोल से चलेगी, उसके अलावा ये बैटरी से चलती रहेगी, चार्ज होती रहेगी चलती रहेगी। तो इसका ये सिस्टम है। इसका माइलेज आप देखेंगे, माइलेज 26 एक्सलेंट है इसका माइलेज, आप देखें 26 है पेट्रोल पे। उसके अलावा बैटरी से तो कोई माइलेज नहीं लगाया जाता है, बैटरी तो चार्ज करेगी और चलाएंगे तो माइलेज काफ़ी अच्छा है। हाइब्रिड है 9.1। और पीछे देखिए, पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस है, कहने को सीट काफ़ी पीछे हुई हुई है आगे वाली क्योंकि हम आराम से बैठते हैं, उसके बाद भी कितना स्पेस है। और अभी मैं आपको और दिखाऊँ, उसके अलावा पहले मैं अभी मैं
गाड़ी बंद करूं। देखिए आपको मैं दिखाता हूं स्पेस इसका डिग्गी में, क्या अच्छा स्पेस है। ये देखिए डिग्गी का स्पेस। तो मैं गाड़ी का आपको सेंसर दिखाऊं, तो सेंसर इसमें एक ये सेंसर लगा है, एक ये चार सेंसर इधर पीछे लगे हैं, और ये लगा है कैमरा इसका, ये सामने कैमरा लगा हुआ है। और इसके अलावा चार सेंसर जो हैं ये आगे लगे हुए हैं, ये रहा एक सेंसर और एक ये रहा, और दो आगे की साइड हैं जो दिखेंगे नहीं, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये थी टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, न्यू मॉडल है, तो कुछ इस तरह से इसके फ्यूचर हैं, रिव्यू है मैंने आपको दिखाया। तो जैसा भी आपको लगे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।